हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को, सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहाँ करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें, सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारे मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सबके कॉन्टैक्ट में हैं। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात, तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है, सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती है, तो बताएं हमें, एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं, आप बता रहे हैं? वो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है, वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर से, हर टेबल से और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूस फीड हो रहा है। और कब तक सर तस्वीर साफ? क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल